हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हमारी एपेटाइट मतलब कि भूख को स्टिमुलेट करती हैं और हमारे वेट को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में कि कौन सी मैकेनिज्म के कारण हमारा वेट जो है नहीं बढ़ पाता है, या हमारा वेट बढ़ जाता है और हमको भूख नहीं लगती है, या हमको ज़्यादा भूख लगती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं एपेटाइट या हंगर हॉर्मोन्स के बारे में। तो कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो हमें भूख का एहसास कराते हैं? तो जैसे कि लेप्टिन हॉर्मोन, घेरलिन हॉर्मोन, इंसुलिन, इनक्रेटिन। तो ये सारे हॉर्मोन्स की वजह से हमको भूख का एहसास होता है और भूख हमें कम या ज़्यादा लगती है। तो जैसे कि लेप्टिन हॉर्मोन जो है हमारी फैट सेल से प्रोड्यूस होता है। अब जैसे जैसे पर्सन का वेट बढ़ जाता है तो फैट सेल वहाँ से देखिए लेप्टिन हार्मोन जो है स्टिमुलेट करती हैं। तो यहाँ पर लेप्टिन हार्मोन जैसे ही बढ़ता है, अब ये हमारे ब्रेन को जो है सिग्नल पहुँचा के एपेटाइट को सप्रेस कर देती हैं, मतलब कि यहाँ पर भूख लगना बंद हो जाता है। अब वही बात कर लेते हैं घेरलिन की। तो घेरलिन हार्मोन जो है ये स्टमक से रिलीज होता है। तो जैसे ही हमारा स्टमक यहाँ पर खाली होता है, मतलब कि एम्प्टी होता है, तो यहाँ से घेरलिन हार्मोन्स के जो लेवल होता है वो बढ़ने लगता है और ये जो है ब्रेन को देखिए सिग्नल पहुंचा देता है। और हाइपोथैलेमस में होता है हंगर सेंटर, मतलब कि भूख का जो सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, जिसके कारण हमको भूख का एहसास होता है। अब वैसे ही यहाँ पर कुछ हार्मोन होते हैं जैसे इनक्रेटिन निकलता है इंटेस्टाइन से, और इंसुलिन निकलता है यहाँ पर देखिए पेनक्रियास, जिसको हम तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स हमारे हंगर और एपेटाइट को जो है स्टिमुलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ पर होता है हमारा हंगर सेंटर। तो जैसे ही हमारा स्टमक मतलब पेट जो है भर जाता है, अब जैसे ही हमारा यहाँ पर पेट भर जाता है तो ये वेगस नर्व की हेल्प से हाइपोथैलेमस को सिग्नल ले जाता है और हमें एहसास होता है कि हमारा पेट भर गया है और हम खाना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे कुछ एंजाइम्स के बारे में। तो ऐसे एंजाइम्स जिसके लो सिक्रिएशन के कारण हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है, तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है, तो इसी के कारण हम जितना भी खाना खाएं वो अच्छे से नहीं पच पाता है और हमारा जो वेट होता है वो गेन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम की। अब जैसे ही कुछ लोग जैसे खाना खाने के बाद कुछ लोग लेट जाते हैं या सो जाते हैं, तो वहाँ पर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है काम करना शुरू कर देता है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और अच्छे से काम करने लगते हैं। तो जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है अच्छे से काम करने लगते हैं, तो हम जैसे भी जो भी खाना खाते हैं वो हमारे अंग लगता है, इसी के कारण हमारा जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद अगर कोई पर्सन आराम करता है या सो जाता है तो वो प्रॉपर ढंग से हमारे शरीर में जो है लगता है, जिसके कारण हमारा जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिसके कारण हमारा वेट गेन होता है, मतलब कि वेट बढ़ता है। तो यहाँ पर पहली मेडिसिन आती है ऑक्सैंड्रोलोन। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 मिलीग्राम होती है। तो ये जो है एक एनाबोलिक स्टेरॉयडल मेडिसिन है जो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख ना लगना, जिसको हम एनोरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं, ये इसमें काम करती है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी डोज के बारे में। तो ये दिन में ओडी या बीडी दी जा सकती है, मतलब दिन में एक बार या दो बार इसको दिया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मल्टीविटामिन सीरप्स होती हैं, जैसे कि जिंकोबिट सीरप, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स से रिलेटेड सीरप होती है जैसे कि एरिस्टोजाइन। तो दोनों का यूज़ जो है वेट गेन करने में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो इसको जो है एज अ बीडी दे सकते हैं, सुबह शाम एक एक चम्मच खाने के बाद इसको दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ नेक्स्ट मेडिसिन आती हैं जैसे कि पेनक्रेटिन और एक्टिवेटेड डाइमेथिकोन टैबलेट, और नेक्स्ट आती है यूनिक एंजाइम टैबलेट। अब बात कर लेते हैं हम इसकी डोज के बारे में। तो ये खाना खाने के बाद दिन में एक बार दी जा सकती है ओडी, और वैसे ही देखिए यूनिक एंजाइम भी खाना खाने के बाद दिन में एक बार दी जा सकती है। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो हमारी भूख को जो है बढ़ा देती हैं, जिसके कारण हमारा वेट जो है वो गेन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू।